देखिए सितंबर 30th का एक हमने टाइम इसीलिए स्पेसिफाई किया है ताकि हमने जो ये अनाउंसमेंट किया है उसको सीरियसली लिया जाए। आप किसी भी एक्सरसाइज में, किसी भी प्रोसेस में अगर आप एक डेट नहीं देते हैं तो, और उसको ओपन हैंडेड ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता है। इसीलिए हमने ये डेट दिया है कि 30 सितंबर तक आप रिटर्न करिए। 4 महीने की समय है, कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। आराम से आपको जब भी टाइम हो आप नेक्स्ट सितंबर 30th तक आप आराम से आके उसको एक्सचेंज करिए या अमाउंट अपने अकाउंट में, खाता में डिपॉजिट कर दीजिए। तो इसीलिए चिंता की कोई कारण नहीं है। और जितना डिफिकल्टीज हो या जितना रिप्रेजेंटेशन हो, मतलब जैसे कि मैंने कहा कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, कुछ लोग फॉरेन ट्रैवल पे गए हैं, उन सबका जितने कठिनाइयां हैं, जितना डिफिकल्टीज है, वो हम सब स्टडी करके उसके कुछ हल निकालेंगे जरूर, ये मेरा आश्वासन है। और मैं सबको अश्योर करना चाहता हूं कि कोई मतलब कंसर्न की बात नहीं है। RBI के जो करेंसी मैनेजमेंट ऑपरेशन है ये इसका एक हिस्सा है। अगर सर 3,62,000 करोड़ रुपए 30 सितंबर देखिए, मैं तो देखिए मैंने आप एक रुक रहिए, अब 5 क्वेश्चन का तो एक ही आया। लक्ष्मण प्लीज सर, लुक आई विल आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सर, आई विल स्टार्ट हियर, आई विल गो राउंड, सो देयरफॉर प्लीज हैव पेशेंस सर। अगर सवाल ये है कि एक तरफ आप कह रहे हैं करेंसी सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लीगल टेंडर रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि जब सर्कुलेशन से विड्रॉ कर रहे हैं हम उससे खरीदारी कर नहीं सकते, तो लीगल टेंडर रहने का मतलब क्या होगा? कैन आई जस्ट ऐड टू दैट सर, यानी खरीदारी क्यों नहीं कर सकते हैं? No, but then others will, yes, please. Just adding, so what is happening, sir? No, I have read the newspapers. हम भी newspaper पढ़ते हैं, हम भी television देखते हैं। आप ऐसे रुकिए आप। अब दुकानों में अगर कोई accept, वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले से भी कई छोटे छोटे दुकान में 2,000 रुपया के नोट एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये कोई नई बात नहीं, कल से शायद बढ़ गया है कुछ। पहले भी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरे जानकारी के जितने लोग हैं उनका भी यही एक्सपीरियंस है। वो जब 2,000 रुपए की नोट लेके जाते हैं कोई फ्रूट शॉप, कोई ठेले वाले के पास, कोई छोटे दुकान, वो कहता है कि सर मेरे पास चेंज नहीं है, आप ऐसा करिए, आप वो इसमें QR कोड में वो डिजिटली पेमेंट कर दीजिए ना, यहाँ पे लगी हुई है QR कोड, आप मोबाइल निकालिए पेमेंट कर दीजिए। तो ये जो है एक रिलक्टेंस था 2,000 रुपया नोट को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए दुकानों में, ये पहले से था, कोई नई बात नहीं। कल के बाद शायद बढ़ गया है, मैंने पेपर भी देखा कुछ रिपोर्ट्स, लेकिन मैं तो नोटिफिकेशन में हमने कहा है इट कंटिन्यूज एज लीगल टेंडर, हमने तो कहीं पे नहीं कहा उसके आगे, तो और कुछ नहीं कहा। और मैंने ये कहा कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि 30 सितंबर के अंदर जो है मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ नोट्स वापस आ जाएंगे, हम देखेंगे उस वक्त, वी विल सी एंड वी विल टेक इट, We will decide. No, one question sir, purpose. Sir, my question is that post 30th September, will this continue to be a legal tender? If yes, then till when? Wahi question aap pooch rahe hain. It's the same question. We have said that it continues as legal tender. We will wait how much notes are coming. I cannot give a speculative answer कि 30th सितंबर के बाद क्या होगा। हमने तो ऐसा नहीं कहा कि भाई लीगल टेंडर जो है वो सिर्फ 30th सितंबर तक है, ऐसा तो नहीं कहा है। यस, वन क्वेश्चन दैट इज कमिंग इज सर दैट इफ यू रिटर्न द नोट्स एंड इफ देयर इज नो आइडेंटिफिकेशन अटैच्ड टू इट, द होल पर्पस ऑफ नोइंग हाउ मच ऑफ इट वाज ब्लैक मनी फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग दैट वुड बी नहीं। देखिए हमने ये कहा है बैंकों में करेंसी नोट्स एक्सचेंज करना हो या अकाउंट में डिपॉजिट करना हो, कैश में, कैश टू कैश आप एक्सचेंज कर रहे हैं या कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अगर बैंक में करेंगे, उसका एक सेट प्रोसीजर है, एक सेट रिक्वायरमेंट्स, सेट गाइडलाइंस है। हमने ये कहा है जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है आपका, जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, आप उसको फॉलो करिए। हमने कोई एडिशनल प्रोसीजर नहीं लगाया है। जो एग्जिस्टिंग प्रोसीजर है, जो यूजुअल प्रोसीजर है बैंक में कैश डिपॉजिट का या कोई अदर कैश ट्रांजैक्शन, आप मान लीजिए आप जा रहे हैं एक कैश पेमेंट करके एक DD खरीद रहे हैं या कैश डिपॉजिट एक्सेसिवली आप कर रहे हैं, मतलब जैसे कि 50,000 इनकम टैक्स रूल एक है, आपको पता होगा 50,000 के ऊपर अगर आप कोई कैश ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपको पैन कार्ड डिटेल्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो जो एग्जिस्टिंग रूल है वो तो अप्लाई करेंगे। या देयर वाज वन क्वेश्चन हियर सर,
So Mr. Arun Jaitley, at the time of demonetization, when 2000 was coming in, had said that this is a stopgap arrangement because a high denomination like rupees 2000, there always will be problems of integrity of a currency of that because of that currency. Is it still a belief in the RBI and the government that high denominations should technically be avoided? You see, man, just as I explained, these notes were primarily issued to replenish the currency, the, you know, what you call remonetization. That purpose has been fulfilled. Now, what you say, what you have just pointed out is right. I mean, when you have high, you see, our high value notes, these 2000 rupee notes or even 500 rupee notes, so far, their security features have not been breached, not been compromised. Market mein the so-called fake currency jo, which you are seeing, that most of it is actually sophisticated photocopying. Security features of these high-value currency notes are, have not been breached. But you know, I mean, in any system, there are always efforts. Most of the efforts, it was seen earlier, they take place outside the country to breach the security features and to sort of inject fake currency into the system. So a high-value note is always prone to, you know, it always is susceptible or vulnerable to efforts on the part of fraudsters to try and clone. So that is a fact, I mean. But this time around, our decision is mainly driven by a need to ensure clean note policy. Man, please, please. Is it close to the 2014 exercise in which the old notes of 2005 were withdrawn? Is it a similar exercise? It's a similar exercise. You have said that. So will the large cash deposits be the part of the scrutiny of the RBI as well, or will there be any cash limit to that when people will go and... Okay, RBI to koi scrutinize nahi karta hai. बाकी जो एजेंसीज है इनकम टैक्स वगैरह हो वो तो अपना नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करेंगे. जैसे मैंने कहा कि वो 50,000 के ऊपर कोई अगर टैक्स होता है तो वो तो अदर एजेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या करते हैं. लेकिन आरबीआई के तरफ से हम ऐसे मतलब किसने कैश ये किया हम आरबीआई के तरफ से नहीं उसको नहीं करते हैं. जैसे आपको पता होगा बैंकों का एक रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसको सीटीआर एसटीआर वगैरह कहते हैं. आपको सबको पता है वो तो मॉनिटर करते हैं. सर यू नो देयर आर रिपोर्ट्स दैट सम बैंक एटीएम स्टिल हैव 2000 रुपी नोट. सो आर बैंक्स बीइंग आस्क्ड टू विथड्रॉ दोस. देखिए बैंकों में मोस्ट ऑफ द बैंक्स बिकॉज द डिमांड वॉज नॉट इन द मार्केट द डिमांड वॉज नॉट फॉर 2000 रुपी नोट्स. सो टेकिंग इन टू अकाउंट द डिमांड इन द मार्केट डिमांड फ्रॉम कस्टमर्स मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैव modified most of their ATMs. Some places here and there they may be having 2000 rupee notes still being given in the you know in the ATMs. The banks will have to modify that. Yeah. So last time when the demonetization had happened, the proposal was moved by the government. So this time and like we've discussed that earlier as well, this whole denomination was introduced to replenish the system. So was this also proposed by the government or this was RBI's? No, yes, some internal processes, so these are not valid questions in which the public is interested. These are procedural. Sir, two questions. So you have explained in detail in your press release as well as in your quotes today that what's the intention behind the phasing out. But still some people, I'm not some, I mean still this question arises in our minds, sir, that was this really required? Let me ask my question so that you can answer. Like, was this really required in the sense that when the circulation has already fallen from its peak of 37% to under 11%, people are not using it? No, that's a view. I mean, I understand what you are saying. That's a viewpoint. No, that's a viewpoint. The question of timing can be raised at any point of time. Why did you do now? Why not later? If you do later, why are you doing now? Why not earlier? So timing is a matter of, I think it's not a, it's not really relevant. And with regard to the other part you said. India TV, har vakt, har jagah, download karne ke liye search karein India TV News, Google Play Store ya App Store par.